गाइस देखते हैं क्या ये जो ब्लैक लैम्बोर्गिनी है वो हम खरीद पाते हैं या नहीं। व्हाट्स अप व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कार फॉर सेल सिमुलेटर। और गाइस आज की वीडियो के अंदर मेरा ये एम रहने वाला है कि मैं पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा। अभी अपने पास एक सुप्रा है और $2,05,000 है। मैं मेहनत करूंगा और ट्राई करेंगे कि हम फरारी या लैम्बोर्गिनी खरीद सकें, बिकॉज गाइस उससे ड्रैग रेस करने का एक नेक्स्ट लेवल मजा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जाएंगे, अपनी कई कार खरीदेंगे, उन्हें बेचेंगे, प्रॉफिट कमा कमा के मैं जाने वाला हूं खरीदने कार। चलते हैं नेबरहुड में। ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं नेबरहुड में आ चुका हूँ और मुझे सामने एक अच्छी सी कार दिख रही है। एक तो डॉज चेंजर है और एक ये है लॉर्ड स्कॉट क्लासिक। हाँ गाइज, लॉर्ड स्कॉट क्लासिक है। तो फटाफट से दीदी जी से बात करते हैं, कितने में दोगी? 17,000। चलो 15,000 का ऑफर देते हैं भाई, 2,500 तो कम कर लेने चाहिए ने। ओ भाई 15 में नहीं मान रही है। ओके 15,500 करते हैं, 15,500 में इजी पीजी मिल जाएगी। ओके माई कार, मेरी कार हो चुकी है गाइज ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपन ने एक कार खरीद ली है। फटाफट से अब मैं करने वाला हूँ इस कार को भेज देते हैं, बिकॉज भाई डैमेज वगैरह हो चाहे नहीं, फिर भी टो करके तो भेजना पड़ता है, फटाफट से भेजते हैं। ओके गाइज कार मैंने भेज दी और मुझे जो सामने डॉज चेंजर दिख रही है, तो डॉज चार्जर, सॉरी गाइस मैं चेंजर कह जाता हूँ हर बार, इनसे बातचीत करते हैं कितने में देंगे भाई। 21,000 की दे रहे हैं, बार्गेन करते हैं 18,000 में दे देंगे। नहीं भाई 18,500 करते हैं, मिल जाएगी। सीधे 5,500 बढ़ाते हैं भाई, 100-200 में कुछ नहीं होता भाई, 500 बढ़ाए 40,000 रुपये है इंडिया में। चलो भाई 19,000 में तो ये कार अपनी डेफिनेटली हो जाएगी, इतना मुझे पता है, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया खेलते खेलते। ओके गाइज, अभी इस कार को भी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भाई बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो फटाफट से इसको रिपेयरिंग पे लगवा देते हैं, चला के चलते हैं भाई। टॉच चेंजर का थोड़ी मज़ा भी मिल जाएगा कैसी चलती है, तो इसे फटाफट से लेके पहुँचते हैं रिपेयरिंग शॉप पे। ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं स्कॉट लेके आ चुका हूँ, इसको ऑफिस में लगाते हैं। और मैंने डॉज चार्जर जो थी उसे लगा दिया है मैंने रिपेयर होने पे, वो रिपेयर हो रही है, इसको लगाते हैं और अभी इससे उतरते हैं और जो अपनी डॉज चार्जर है उसे भी लेके आते हैं। ओके गाइस, ये रही अपनी डॉज चार्जर, काफ़ी अच्छी भाई, ड्रिफ्ट तगड़ी मार रही है और साउंड एक नेक्स्ट लेवल शोर मचा रहा है भाई इसका। और भाई इसे भी फटाफट से पार करते हैं, और अभी फिलहाल काफ़ी रात हो चुकी है भाई, पहले तो इसे पार कर देते। ओके कार से उतरते हैं और अभी हो चुकी है रात, तो इन्हें सेल पे नहीं लगाते, फटाफट से चलते हैं सोते हैं। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, हम आ चुके हैं दोबारा से ऑफिस, और भाई ये कचड़ा कौन फेंक के चला जाता है ऑफिस में, सारा का सारा मूड खराब कर दिया है। चलो कोई ना, फटाफट से चलते हैं भाई। ये जो दोनों कार ली अपन ने, एक एस्कॉर्ट क्लासिक कुछ करके नाम है इसका, और ये जो डॉज चार्जर है, दोनों की दोनों को लगाने वाला हूँ मैं सेल पे। तो फटाफट से पीसी में बैठते हैं। ओके वेब पेज ओपन करते हैं। चलो भाई ये लॉर्ड एस्कॉर्ट क्लासिक 15 की लाया था, 40 में लगभग निकाल दूंगा। ओके 40 डालते हैं फटाफट से, पुट इट ऑन सेल। डॉज चार्जर जो है ये 19,000 का था, 50 भाई इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा होप है, 50 पे लगाते हैं। ओके गाइज, दोनों कार जो थी मैंने वो सेल पे लगा दी है, अभी फिलहाल वेट करते हैं कस्टमर्स का। ओके गाइज, अभी मुझे एक कस्टमर दिख गई है, दो आए भाई स्कॉट के लिए, दो कस्टमर आए हैं, फटाफट से इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी भैया जी, कितने दे रहे हो आप? चलो 24,000 ठीक ठाक है। मैडम जी से भी बात करते हैं। हाँ दीदी, आप कितने दे रही हो? ओके भाई 40 का 23, भाग यहाँ से, इतना कम पैसा कौन बनाता है भाई। इन 24 वाले से बात करते हैं, 27 तक ले जाएगा, तो मैं इसको पहला ऑफर ही देने वाला हूँ 27,000 का। ओके भाई 27,000 में ले जा, हटा भाई, मुझे पता है तू ले लेगा, बट मेरी कार भी बिक जाएगी। ओके गाइस, अपन ने कार भेज दी, अभी फिलहाल अपनी जो डॉज चेंजर है, जो चार्जर है, उसके लिए भी आए हुए हैं कस्टमर, तो बात करते हैं। तो ये कार बहुत ज़्यादा गंदी है, उसको मैंने भगा दिया है क्योंकि वो बहुत कम प्राइस दे रहा था भाई। इनसे बात करते हैं, हेलो, ऑलमोस्ट 30,000 रुपये, 30,000 दे रही है, 34 बोल के देखते हैं भाई, 34 पे नहीं यार 33 बोलेंगे अब, चलो 33 बोलते हैं, बिकॉज भाई 34 पे नहीं ले रही ना सामने वाली बंदी भाई, उसने बार्गेन स्किल भाई। मैं तो को साफ करके देता हूँ आपको कार, साफ करके और शायद प्राइस बढ़ जाए इसका। और भाई साफ करते करते एक नया कस्टमर आ गया, तो मैंने इससे बातचीत की, वो लड़की भाग गई थी। ओके ये 30 दे रहा है भाई, साफ करने से पैसा बन बढ़ गया है। ओके तो इसे मैं 35 बोल के देखता हूँ, शायद ये ले जाए, नहीं 35 में नहीं लेगा भाई, 33 सीधे भाई, मैं तो 1,000 घटाता हूँ। और ये अब कार बिक गई भाई, बिक गई यस गाइज, ये कार बिक चुकी है। और अभी फिलहाल मेरे को क्या करना है, अभी है जो अपना ऑक्शन है आज, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट से चलते हैं ऑक्शन में। ओके गाइज, मैं आ गया हूँ और थोड़ी देर बाद ऑक्शन शुरू होने वाला है भाई। भाई जल्दी टिकट दे, जल्दी जल्दी। ओके टिकट खरीदते भाई, पहली कार आ भी गई, और पहली कौन सी है भाई? सुप्रा, सुप्रा मैं लेने वाला हूँ लिटरली गाइस, सुप्रा अपनी फेवरेट है, फटाफट से बैट लगाते हैं सुप्रा में।
सीधे भाई सुप्रा मेरी होगी, चाहे जो भी हो जाए भाई सुप्रा तो लेने वाले, लगा लो भाई जिसको लगाना है, मैं सीधे क्लोज कर दूंगा। चार भाई काफी महंगी चली गई है सुप्रा, बट सुप्रा अपनी है। अब लगाते हैं बैड गाइस, अब किसी में ताकत नहीं है, सुप्रा अपने छीन ले। ओके गाइस सुप्रा अपनी हो चुकी है, दूसरी आई है लैम्बोर्गिनी। बट गाइस अपन इतने लकी नहीं है, इतना अपना बजट नहीं है कि अपन लैम्बोर्गिनी खरीद पाए। और अभी तीसरी कार वो एक और पार भाई सुप्रा आई है, ये सुप्रा भी अपन ले लेंगे। अपने पास ऑलरेडी एक सुप्रा है, दो ये ले जाएंगे भाई, तीन सुप्रा हो जाएंगे और ये दो तो मैं भेज दूंगा, वो तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। यानी गाइस आज मेरे हिसाब से खरीद लेंगे भाई बैट कंप्लीट और ये 67,000 में अपनी। ऑल राइट गाइस अभी और Q7 मुझको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो फटाफट से जो सीट है छोड़ते हैं, दोनों सुप्रा को लेते हैं, रिपेयर पे लगवाते हैं। ओके गाइस ये रही मेरी पहली सुप्रा, ठुक गई यार गाइज, लिटरली पैसा खर्च होगा और भाई ये तो रात भी हो गई है, तो फटाफट से इसको मैं रिपेयर पे लगा देता हूँ। और जो और भाई यहाँ पर भी मैंने गंदी डैमेज कर दी, फटाफट से जो दूसरी सुप्रा है उसे लेके चलते हैं कंटेनर में सोने। ओके गाइज गुड मॉर्निंग, हम आ चुके हैं सो के वापस और ये कार भाई मैंने डैमेज कर दी, लिटरली दूसरी भी डैमेज कर दी। चलो कोई ना, दोनों सुप्रा रिपेयरिंग पे लगवा देंगे, काफी सही रहने वाला है सीन, तो इसको रखते हैं फटाफट से यहाँ पे, थोड़ा बैक करते हैं, अच्छी तरह नहीं लगी। ओके फाइनली, हाँ यार भाई यार पहले मैं रात को रख गया था, कर दिया करो यार, मुझसे पैसा ले लो एडवांस यार, $117 में मरे जाते हैं भाई, नहीं यार ₹10,000 होते हैं। कोई ना भाई, रो इतना चलता है भाई, बहुत ज्यादा रुपए है। ओके $500 में ये बारी सुप्रा भी अपनी रिपेयर हो जाएगी, अभी फिलहाल अपने को वेट करना है, ये दोनों सुप्रा जो है दोनों की दोनों रिपेयर हो जाएं, फिर इन्हें फटाफट से चल के लगाने वाला हूं मैं सेल पे। ओके गाइस ये रही अपनी एक सुप्रा रेडी हो चुकी है, एक मैंने लगा दी है, ये दूसरी है बच गई भाई, डैमेज नहीं हुई, ये अच्छी बात है, अपने ने भाई डैमेज नहीं हुई है ये कार। अभी 200 रुपया बेचेंगी ना, अपना इजी पीजी प्रॉफिट होने वाला है 1,00,000 रुपए का भाई, अपन सीधे 3,00,000 पर स्विच कर जाएंगे, क्योंकि 1,00,000 की ये दोनों सुप्रा चली जाएंगी इजी पीजी, तो फटाफट से चलते हैं इन्हें सेल पे लगाते हैं गाइज। ओके ये रहा कंप्यूटर और ये वेब पेज ओपन किया, ये जो भाई बढ़िया है, 60,000 की ली थी भाई, 1,20,000 या 30,000 डालते हैं, 1,30,000 डालते हैं भाई, 20 में बारगेन में आ जाएगी ना। ओके ये ऑलमोस्ट 150 की जाने वाली है, 1,50,000 रुपए की भाई, 70,000 की मैं लाया हूँ और खर्च भी किए हैं। ओके गाइस अभी फिलहाल मैंने दोनों की दोनों सुप्रा लगा दी हैं और अभी अपन को वेट करना है कस्टमर्स का, तो वेट करते हैं कस्टमर्स के लिए। ओके गाइस अभी फिलहाल कस्टमर्स आ चुके हैं, सुप्रा भाई कितनी मांग है सुप्रा की, थोड़ी देर में कस्टमर आ गए, कार मैंने दोनों बेच दी हैं और अभी फिलहाल कार मार्केट ओपन है, तो मैं सोच रहा हूँ कार मार्केट चलते हैं। ओके गाइस हम आ चुके हैं कार मार्केट में भाई, यार लैम्बोर्गिनी भाई यही तो लेना है मेरे पास, 3,13,000 रुपए में खरीद सकता हूँ, इस लैम्बो वाले से बात करते हैं भाई, देगा क्या भाई, कितने की दे रहा है भाई, 4,00,000 की भाई, फिर भी एक बार 3,00,000 ट्राई करके देखते हैं, शायद दे दे, मजा आ जाएगा लिटरली भाई, मजा आ जाएगा। नहीं दे रहा है गाइस वो, बट पीछे मुझे एक फरारी दिखी है भाई, ये अपनी हो सकती है, 3,25,000 भाई, 3,13,000 फरारी आ गई भाई, चैलेंज कंप्लीट, इजी पीजी, फिर भी 2,50,000 बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्राइस बताते हैं अपने को, और 270 बोले भाई, 270 और ले यार इतने में दे दे, 280 में डन हो जाएगा भाई यार। ओ यार उसने बार्गेन करने से मना कर दिया, मैंने लैम्बोर्गिनी यहाँ से चली गई, तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, लैम्बो फरारी तो अपन ले नहीं पाए और किसी कारण मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी फटाफट से मैं सोच रहा हूँ लगे यहाँ चलते हैं नेबरहुड में। ओके गाइस मैं आ चुका हूँ नेबरहुड, यहाँ पर भाई सुप्रा भाई, अपनी डीलरशिप का नाम होना चाहिए सुप्रा मोटर्स भाई, इतनी सुप्रा लेके जा रहा हूँ ना मैं सुबह से, इसको बार्गेन नहीं करना, चल भाई 47 पे दे दूँ भाई, सुप्रा है कोई भी कर सकते, 80,000 में तो ऐसे निकाल दूंगा, डैमेज है फटाफट से मैं जो तो होता है रिपेयर पे लगाता हूँ। और गाइज मुझे सामने एक और सुप्रा स्पॉट है, ये भाई सुप्रा में मैं कंफ्यूज नहीं हो सकता, बिकॉज सुप्रा बहुत प्यारी लगती है भाई मेरे को देखने में, बट अभी तक हमें पोर्ची नहीं दिखी इस गेम में, ट्राई करेंगे भाई पोर्ची भी खरीद सके। हाँ जी आप कितने की दे रही हो? ओके 59 की दे रही है, 54,000 पर डन। ओके गाइज ये कार भी मैंने खरीद ली है, तो इसे भी फटाफट से देखते हैं डैमेज वगैरह है क्या। ओके ये काफी ज्यादा डैमेज है, तो मैं इसे भी सोच रहा हूँ रिपेयरिंग पे लगा देते हैं। ओके गाइज कार मैंने रिपेयर पे लगा दी है, अभी काम है दोनों की दोनों कार को रिपेयर करा के सेल करना है, तो फटाफट से चलते हैं बेचते हैं। ओके गाइज मैं आ चुका हूँ, दोनों मैंने बेच दी थी, पहले इन्हें करा लेते हैं रिपेयर। भाइयो यार तुम अपने मन से कर दिया करो, पैसा दे दूंगा खा के नहीं भाग जाऊंगा, इतनी महंगी कार भेजता हूँ मैं तुम्हारे यहाँ। चलो गाइज अभी ये दोनों कार है ना, ये दोनों हो रही हैं रिपेयर, तो काफी ज्यादा टाइम जाने वाला है इनको रिपेयर होने में, रिपेयर होने के बाद मैं इन दोनों को सेल कर दूंगा।
ओके गाइस अभी ऑक्शन में आ चुके हैं। ऑक्शन था अभी, मैं भूल गया था जस्ट यार, फटाफट से सीट पे बैठते। पहली आई है लैम्बोर्गिनी, बट गाइस इस बार की तरफ फिर अगर वो 200 प्रति ना वो दोनों बिक जाती तो पैसा ही पैसा होता अपने पास। ओके भाई Q7 मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तीसरी कार का वेट करते हैं। तीसरी कार भाई एक और सुप्रा गाइस, लिटरली अपने पास 3 सुप्रा है, एक चौथी सुप्रा भी भाई आपका भाई सुप्रा लेके कंफर्म जाने वाला है, बिकॉज भाई सुप्रा इज द बेस्ट कार, मजा आने वाला है भाई इसको बेचने में, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। और अभी जो बिड बढ़ती आ रही बस लास्ट भाई ये कार अपनी हो गई। कांग्रेचुलेशन गाइज, और ऑडिटी टीम में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो फटाफट से सीट छोड़ते हैं और चलते हैं। मैं मुझे याद आ रहा है मैंने 2 कार जो है ना भाई रिपेयर पे दी थी, 2 सुप्रा और एक ये हो गई है, तो फटाफट से चलते हैं उन दोनों रिपेयर वाली को बेचते हैं। ओके गाइज ये सुप्रा रिपेयर हो चुकी है फुली, एक मैंने लगा दी है, एक और ये वाली लगा चो टूट गई यार भाई, रिपेयर करा के लाया था अभी टूट गई, बट इसको थोड़ा सा साइड से लगाना है बिकॉज अभी एक और सुप्रा है, मुझे उसको भी लाके लगाना है सेल पे भाई, तो इसे फटाफट से यहीं लगाते, ठुकी या बिक जाएगी यार, एक आध $2,000 का लॉस सही। फटाफट से चलते हैं दूसरे में बेचने पे लगाते हैं, और फटाफट से जो है भाई ये मेरे ऑफिस में 2 है, ओके 2019 वाला मॉडल है, ये जाने वाली है 1,10,000 रुपये की, और ये वाली जो है ये जाने वाली है 1,20,000 रुपये की, और डन भाई 2 मैंने लगा दी है सेल पे। और अभी चलते हैं अपनी कार ऑक्शन के पास, भी एक कार खड़ी है, तो अभी फटाफट से चलते हैं उस कार को भी लेके आते हैं। ओके गाइज ये रही वो कार, एकदम फुली डैमेज नहीं है बिल्कुल भाई, एकदम नीट एंड क्लीन कार है, तो फटाफट से इसे ही बैक करके लगाते हैं और इस सुप्रा को भी बेचना भाई। देखो अपनी डीलरशिप को भाई, एक सुप्रा वो खड़ी है, ये खड़ी और एक बार खड़ी है, और बार वाली को मैं बेचने वाला नहीं हूँ, तो फटाफट से चलते हैं भाई। ये वाली जो क्या लाजवाब लग रही है, फटाफट से पहले उसको सेल पे लगाते हैं क्योंकि कस्टमर उसके लिए भी आने चाहिए। फटाफट से बैठते हैं, हाँ भाई कौन सी सुप्रा आई है, नई कहो शोरूम में, ओके भाई ये बहुत महंगी ली है, तो आराम से 1.5 लाख रुपए की जाने वाली भाई, लिटरली ऑलमोस्ट 70,000 के लिए मैंने, तो फटाफट से 1.5 लाख की लगा दी है भाई साहब। मैं 20-30,000 के कस्टमर का वेट करना है भाई अपने को, ओके कस्टमर आ भी गई है, वेट करने की जरूरत नहीं है अपने को, और भाई इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी दीदी क्या प्राइस दे रही हो, 71, तो मेरे हिसाब से 80 तक में ले जाएगी, और मैं इसको 40 में ही लाया था, बेच सकते हैं 80,000 की बेचते हैं, डील डन, कार योर्स एंड मेरा पैसा आ गया। ओके भाई हम जीत चुके हैं, और ये वाला एक भैया जी आए हैं, भैया जी यार कहाँ भाग रहा है यार, यहीं से बातचीत कर लेता, यहाँ से भी वो कार पूरी दिख रही है, लेकिन नहीं इन्हें तो चुल रहे हैं आने की, तो फटाफट से इनसे ही बात करते हैं। भाई कितने की लेगा यार तू, 86 नॉट बैड, अभी एक कस्टमर आया था कहाँ गया, अंदर घुसे, अरे यार वहीं घूम घाम के उसी कोने पे आ रहे हैं ये लोग। ओके आप क्या ऑफर दे रही हो, 92 भाई इन्हीं को बेचने वाला हूँ, 1,005,000 बिक गई कार भाई यार बिक गई। अरे भाई तू ये वाली सुप्रा देख ले, ये वाली देख ले भाई, मुझे उसको भी बेचना है। और गाइस अभी रात होने वाली है और मुझे नहीं लगता अब कोई कस्टमर आएंगे, तो फटाफट से चलते हैं कंटेनर में सोने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन अवर डीलरशिप अगेन, और गाइस यहाँ पे गंदगी कौन मचा के चला जाता है भाई, कोई ना, अब नेक्स्ट एपिसोड में अपन एक एम्प्लॉय भी हायर कर लेंगे। ओके 1,10,000 ये 86,000 भगे यहाँ से, इतनी कम में थोड़ी बेचूंगा मैं यार, चौ टकाने के लक्षण करते भाई यार। और अभी मेरे हिसाब से भाई कार मार्केट ओपन है, फटाफट से चलते हैं कार मार्केट। ओके गाइज हम आ चुके हैं कार मार्केट में टहलते, और भाई लैम्बोर्गिनी आई है, सुप्रा है ये, सुप्रा पूछते हैं पहले कितने की दे रही है। हाँ जी सुप्रा मुझे लगता है सस्ती है भाई, 45 बार्गेन करते, 45 में इजी पीसी दे देगी, 48 बोल रही, 45 डन भाई, सुप्रा अपनी हो गई, एक और सुप्रा आ गई है, इसे फटाफट से मैं कह रहा हूँ भाई रिपेयर पे भेज देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज कार है। ओके रिपेयर पे भेज दिया, और लैम्बोर्गिनी पूछते भाई कितने की है। ओके भाई 4,80,000 की बोल रहा है, और ये वाली पूछता हूँ मैं एक बार, और ये भाई 4,66,000 की, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मेरे पास ऑलमोस्ट 3 लाख हैं, और मेरी जो है 2 सुप्रा अभी भी बिकने के लिए बची हैं, तो मैं इन्हें बेच सकता हूँ। और गाइज ये आया एक कस्टमर, ये सुप्रा भी बेचते हैं फटाफट से। हाँ जी भैया जी प्राइस बोलो आप कितने दोगे भाई, 86 दे रहा है, ऑलमोस्ट ये 95 देख जाएगा, बिक गई ये कार बिक गई। ओके गाइज ये बिक चुकी है, और अभी जो ये दूसरी कार है वो सामने है रिपेयर हो रही है, तो फटाफट से उसे लेके आते हैं बिकॉज भाई उसे रिपेयर कराना पड़ेगा, तब अपन उसको बेचेंगे, और फिर डेफिनेटली भाई लैम्बोर्गिनी अपनी हो जाएगी, बिकॉज भाई 3,70,000 अपने हो चुके हैं। फटाफट से भाई तू रिपेयर पे लगा ना,
ओके 3,75,000 मेरे पास है भाई, और भाई वो 4 लाख की तो दे रहा था, यानी भाई डेफिनेटली लैम्बोर्गिनी अपनी होने वाली है भाई। अभी ये रिपेयर हो चुकी है कार, फटाफट से लेके चलते हैं। और अभी बजाय केवल 12 भाई 12 बजे तक मैं इसे सेल पे लगा दूंगा, और रात के 8 बजे तक खुला रहता है कार मार्केट, तो अब तो लैम्बोर्गिनी आ जाएगी आज की आज, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई। फटाफट से इसे लगाते हैं, फिर लैम्बोर्गिनी को फुल ट्यूनिंग वगैरह करा देंगे। और भाई लैम्बोर्गिनी से ड्रैग रेसिंग करने का मेरा बहुत ज्यादा मन है, क्योंकि अपन ने सुप्रा इतनी बेच ली है ना भाई, सुप्रा तो भाई बहुत बहुत बेची। मुझको लगता है मैंने इस पूरे एपिसोड में पहली बार 2 कार लाया था, बाकी सारी की सारी सुप्रा बेची हैं। तो फटाफट से मैंने इसको लगा दिया, यहीं पे ड्रॉप करते भाई, फटाफट से चलते से बेचने के लिए लगाते हैं, क्योंकि 12:10 हो चुके हैं और अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फटाफट से स्टोरी टॉक लगाता हूँ मैं फिक्स 1 लाख रुपये का, क्योंकि मुझे केवल 1 लाख की ज़रूरत है, और गारंटी मेरी मैं लैम्बोर्गिनी को खरीद के लाने वाला हूँ। पुट इट ऑन सेल भाई, फटाफट से कस्टमर का वेट करना है अभी अपने को, क्योंकि ये सुप्रा बिकी उसके बाद मैं फटाफट से जाने वाला हूँ कार मार्केट। अभी फिलहाल अपने को एक काम है, केवल वेट करते हैं कस्टमर्स का। ओके गाइज, मैं कार चमका ही रहा था तभी फटाफट से एक कस्टमर आया, तो इनसे लगे आज बात कर लेते हैं। पहले कार चमका देते हैं, महंगी बिकती है कार। ओके गाइज, कार साफ हो चुकी है, अब इनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया जी, कितने रुपए की लोगे आप ये कार? ओके ओके, $87,000, नॉट बैड, बट बार्गेन करते हैं। लेकिन बैक करते हैं भाई, एक और कस्टमर आई है और एक और उसके पीछे भी आ रहा है। सबसे बातचीत करते हैं, जो बेस्ट ऑफर देगा उसी से बार्गेन करने वाला हूँ। 92 नॉट बैड, अभी इनसे बात करते हैं ये कितने देते हैं 92,000 के बाद। भाई ये कितने दे रहा है? ओके 95, ऑलमोस्ट भाई 96 है, तो ये मैं 1,05,000 पे ट्राई करूँ क्या? जो मैं प्राइस डालूँ उससे महंगी बिक जाएगी? नहीं भाई, वो नहीं ले रहा, तो 1 लाख डालते हैं भाई। ये कार 1 लाख में डेफिनेटली बिक गई भाई, लैम्बोर्गिनी अपनी हो गई, गुड भाई। ये कार भी अपन ने बेच दी है, फाइनली अपने पास आ चुके हैं $1,00,000 और $4,75,000 हो चुके हैं। तो अभी फटाफट से चलते हैं कार मार्केट में। ओके गाइज, हम आ चुके हैं कार मार्केट में, और अभी फिलहाल मुझको खरीदना है लैम्बोर्गिनी। पहले मैं ट्राई करने वाला हूँ बेस्ट लैम्बोर्गिनी कौन सी है, पहले इस ब्लैक वाली को पूछते हैं। किस सन का मॉडल है भाई, किस ईयर का? 1982 नॉट बैड, 60s काफ़ी ज़्यादा चली हुई है कार, बट 1982 थोड़ा अपग्रेडेड होगा। और ये कौन सी है भाई? 1981, मैं नहीं लेने वाला भाई, पैसा खर्च करना ही तो अच्छी पे खर्च करो भाई, ये नहीं लूँगा मैं, वही लूँगा। क्या वो भी कह रही है, जाओ वहाँ पे। तो फटाफट से चलते हैं, इन ब्लैक वालों से बातचीत करते हैं, क्या आज हम ये लैम्बोर्गिनी ले पाएंगे गाइज? ओके 4,76,000 बोल रहा है, बट मैं इसको ऑफर देने वाला हूँ 4 लाख का, क्योंकि महंगी कार्स में काफ़ी ज़्यादा बार्गेन हो जाता है। 3 लाख में तो नहीं देगा, 4 लाख बोलते हैं। ओके ये क्या, ये दे देगा भाई यार, दे दी यार गाई, और कम कराना थे मुझको पैसे, बट कोई ना गाइस, लैम्बोर्गिनी अपनी हो चुकी है। आज का चैलेंज होता है कंप्लीट भाई, लैम्बोर्गिनी आपके भाई ने ले लिया। पहले आप भाई इसको देखो क्या मस्त है, अरे यार लुक मत बर्बाद करो, इंटीरियर देखते हैं भाई इसका, क्या मस्त इंटीरियर लग रहा है, थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है बट मजा आएगा। इसको चला के जाने वाला हूँ मैं ऑफिस, बिकॉज गाइज उसको चलाने का जो मजा है ना, वो मैं लेना चाहता हूँ, और मुझे इससे ड्रैग रेसेस करने का भी बहुत मन है। इस साइड अपना ऑफिस नहीं है, उस साइड है भाई, इसकी कंट्रोलिंग नेक्स्ट लेवल है। तो अभी फटाफट से चलने वाला हूँ मैं, डैमेज वगैरह है नहीं कुछ, तो रिपेयर कराना नहीं है, बट भाई होगी तो रिपेयर करा लेंगे भाई, हो जाएगी। ओके कोई ना, बस आराम से चलाते हैं भाई। लैम्बोर्गिनी ले ली है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, ड्रिफ्ट भी तगड़ी मार रही है, और मैं फुल ट्यूनिंग कराऊंगा, NOS टर्बो सब डलवा दूंगा, रेसिंग किट वगैरह, बिकॉज इससे हमें ड्रैग रेसेस भी खेलना है। और देखते हैं क्या भाई ये कैसी कार है जो हमें हाई ड्रैग रेस जिता सकती है कि नहीं। ओ भाई ठुकते ठुकते बची है, भाई तू बता यार कोई प्रॉब्लम हो तो रिपेयर कर फटाफट से। ओके है थोड़ा सा डैमेज है, तो फटाफट से लगा देते हैं रिपेयर पे। चल भाई अभी लैम्बोर्गिनी की रिपेयर उनका वेट करते हैं, फिर गाइज मैं इसमें फुल ट्यूनिंग वगैरह करा दूंगा। ओके गाइज, अभी फिलहाल लैम्बोर्गिनी रिपेयर हो चुकी है भाई, ब्लैक कलर में काफ़ी तगड़ी लग रही है। फटाफट से इसमें बैठते हैं और चलते हैं, अब इसमें ट्यूनिंग वगैरह कराते हैं भाई, अच्छी सी मॉडिफिकेशन कराते हैं, ताकि ये कार एकदम लाजवाब लगने लगे भाई, क्योंकि कार भाई नेक्स्ट लेवल लगनी चाहिए, बिकॉज लैम्बो खरीद लाया आपका भाई, और इसको मैं बेच भी सकता हूँ, नहीं भी बेच सकता हूँ। ड्रैग रेसेस में ट्राई करेंगे कि कैसा परफॉर्म करती है, उस हिसाब से बेचेंगे। ओके भाई दिखा तू, आजा भाई, और हाँ रेसिंग किट डाल दे इसमें, क्योंकि रेस करना है अपने को, ABS डाल दे, टर्बो डाल दे, NOS डाल दे, अब व्हील्स फोकस करते हैं। ओके गाइज मैं इसमें व्हील्स डलवाने वाला हूँ थोड़े, जो इसमें लुक वाइज आए,
ये वाले उतने तगड़े ही लग रहे, ये वाले भी नहीं लग रहे, ये वाले भी नहीं, और ट्राई करते हैं। हाँ भाई ये तगड़े लग रहे भाई, $3,000 यूं खर्च कर दूंगा मैं, लैम्बो है भाई वो अपनी, और थोड़ी सा नंबर प्लेट जो है उस पर ही फोकस कर लेते हैं। और यहाँ डालने वाला हूँ मैं SG आर्मी, ओ भाई SM नहीं, ओके SG आर्मी। भाई आप सभी लोग की वजह से कार भाई मैं खरीद पा रहा हूँ, भले ही गेम में है भाई लेकिन मजा आ रहा है। आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हो ना, कैलिफोर्निया वाली फटाफट से नंबर प्लेट लगाते हैं, आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हो इस सीरीज को, इसलिए मैं इसको खेल रहा हूँ और डाल पा रहा हूँ इसकी वीडियोस। और आज मैंने लैम्बो भी ले ली है, यानी नेक्स्ट एपिसोड और भी तगड़े तगड़े आने वाले हैं। अभी फटाफट से लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं, और मेरे हिसाब से शायद रात भी हो गई है ऑलमोस्ट, हाँ गाइस रात हो चुकी है, सारे लोग जा चुके हैं, ऐसे फटाफट से अपना जो शोरूम है उसके बाहर लगाते हैं। अब तो भाई लग्जरी शोरूम हो चुका है, अपना शोरूम बन चुका है भाई, लैम्बोर्गिनी तक ले आया हूँ मैं। तो आपका भाई इस बात पे वीडियो करना बनता है लाइक, और चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब, और कमेंट्स कर सकते हो मुझे कौन सी कार खरीदना चाहिए इस गेम में। फिलहाल मैं अभी आपको इस कार की पूरी लुक दिखाता हूँ, बस भाई अभी इंजन बंद करते हैं, यार इंजन खुला रह गया, महंगी कार है बहुत ज़्यादा फ्यूल खाएगी। ओके गाइस देखो भाई ब्लैक कलर में काफ़ी तगड़ी लग रही है ये कार, देखो आगे से पीछे से सब कहीं से लाजवाब लग रही है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।